दोस्तों आज की कहानी है स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी हिस्ट्री। स्टीफन हॉकिंग विलियम हॉकिंग 8 जनवरी 1942 14 मार्च 2018 के सदी के महान भौतिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड वैज्ञानिक और लेखक थे, जो अपने मृत्यु के समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान निदेशक थे और 1979 और 2009 के बीच वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के लोकाश्रित प्रोफेसर थे। हॉकिंग का जन्म ऑक्सफोर्ड में चिकित्सकों के एक परिवार में हुआ था। अक्टूबर 1959 में 17 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपने विश्वविद्यालय की शिक्षा शुरू की, जहां उन्होंने भौतिकी में प्रथम श्रेणी के बीए की डिग्री प्राप्त की। अक्टूबर 1962 में उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी हॉल में अपना स्नातक कार्य शुरू किया, जहां मार्च 1966 में उन्होंने मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। सामान्य सापेक्षता और ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी में विशेषता 1963 में हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन रोग एमरियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस LLS से एक प्रारंभिक शुरुआत धीमी प्रतिशील का रूप पता चला था, जिसने धीरे धीरे दर्शकों से उन्हें पंगु बना दिया। स्टीफन अपने जीवन काल में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार में दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सूची में रिकॉर्ड 236 हफ्तों के लिए प्रदर्शित हुई। दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। हॉकिंग रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के आजीवन सदस्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के प्राप्तकर्ता थे। 2002 में BBC के 100 महानता में से एक है। ऑलवेज बी हैप्पी। दोस्तों गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों ओके, हैव अ नाइस डे और हमेशा खुश रहो।